हेलो बाड़ी, आप यहाँ पे कैसे खड़े हो? क्या आपको बहुत गर्मी लग रही है? सेट पहन तो लिया। सॉरी यार, मेरी ना चाबी नहीं मिल रही थी, फाइनली मिल गई। जब ये ऐसे इलाके देखा ना, फायदा हुआ इसका बजने का। चले जिम। तेरे तो जूते धुले हुए लग रहे हैं। धुले हुए नहीं लग रहे, मैं साफ करके लाया हूँ, और कल ये पहन रखा था। ले मुझे दिखा। बस एक चीज मुझे बता दो, इतने हाथ में क्या पहन रखा है? ये तो ऐसे किसने दिया है? हाँ, तूने दिलाए थे, मैं चेंज करवा के लाए थे दोबारा। तो आज कौन सा वर्कआउट करेगी? आज मैं मिक्स करूंगी भाई, मेरे बस की नहीं। थोड़ी सी वैसे लग रही है, वो फॉरेनर लड़कियां नहीं होती, मतलब जो अपना आउटफिट पूरा पहन के आती है। देखो बेटा, ऐसे ऐसे करता है। भाई कितनी गर्मी हो रही है। मेरे सच में किसी एक बंदे ने ना इंस्टा पे मैसेज करके बोला था कि ये अंग्रेजों वाली सॉक्स कब से पहनने लगी तुम, कि लोअर के ऊपर सॉक्स पहनने लगी हो अंग्रेजों। चल वैसे तेरे पैसे वसूल हो गए, आउटफिट अच्छा लग रहा है ना। अभी तो देखना जब मैं इसको अपने वो ब्लैक वाले उसके साथ पहनूंगी। मैं तो पता ही है, देखो क्यूट लगता हूं। हां बिल्कुल, जैसे कल लग रहा था, है ना? ठीक है, आज ही मैंने दाढ़ी बनाई है। ब्लैक पहनना चाहिए ना तुझे, ये ब्लैक व्हाइट क्यों पहन रहा है? अरे पहन में नहीं रहा, मैं ये पहन के जाऊंगा कि जिम में। तो ऊपर अच्छा पूकी है क्या तू? ऊपर से नीचे तक आ रहा था ऐसे ही लिया। पूकी बन के दिखा, देख ये भी ऐसी चल रही है, देख। हां देख असर। देखा गाइस, असर कितनी जल्दी होता है बच्चों पे, उनके सामने आपको। देखा बेटा, इसको देख के डांस कर रहे हो ना? है ना, गलत चीज सिखा दी मैंने, डांस करना गलत होता है। परेशान कर दिया उसने। आज हम जा रहे हैं वर्कआउट करने, और फाइनली बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं वर्कआउट करने जा रहा था और इसने बोला कि यार प्लीज मुझे भी ले चल, इतनी गर्मी में एक अच्छी सुंदर लड़की ऐसे जाते हुए। मैंने कहा चल ठीक है। वही तो, एक तो यार आज अचानक से गर्मी कैसे हो गई, तो बारिश का मौसम लग ही नहीं रहा कि अगस्त चल रहा है। सोचा अपने दोस्त को मैं थोड़ा सा वर्कआउट करवा के ले आऊं, लेकिन अब लेट हो गए और जिम में इस टाइम पे वीडियो शूट हो नहीं पाएगा। इसके मतलब इसका 3 बजे मतलब 5 बजे होता है, ठीक है? इसके टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे ना अगर, तो 3 बजे के बजाय हम 5 बजे ही जाएंगे जिम। भी लास्ट मोमेंट पे इसकी चाबी खो गई थी। वही तेरे दिल खो जाता है, कभी कुछ खो जाता है, कभी तेरे कपड़े नहीं मिलते। पता है अभी भी इसने अपना पूरा वार्डरोब है ना ऐसे छान मारा होगा कि क्या पहनूं क्या पहनूं, लास्ट में ये ऑल ब्लैक ही पहन गया। क्या करूं यार, दोस्तों मेरे पास कपड़े नहीं है। इसके पास कपड़े नहीं है। अच्छा बता दो कि मैं काफी टाइम बाद जिम जा रहा था। हमेशा मैं बोलता हूँ काफी टाइम बाद जिम जा रहा हूँ, लोग सोचते थे जिम में जाता रहता है, और क्या था काफी टाइम बाद। बता कितने, 10-15 दिन हो गए। बिजी थे ना, तो बिजी भी तो रहते हैं यार। बिजी नहीं थे, वो पापा वाला एक इंसिडेंट हो गया था। हाँ। पापा को यहाँ दर्द हो गया था। आजकल मेरे भी हो रहा है सबसे। ऐसे मजाक नहीं ना। वैसे निया उन पे कूद रही थी, अंकल कहते हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, ठीक तो होएगा नहीं। पर ठीक है यार, इस चीज को हंसी में टाल देते हैं। बट स्टिल अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, उन्हें अच्छी, मतलब आजकल पेरेंट्स पेरेंट्स को भी अच्छी सीख देने की जरूरत पड़ रही है, पता है? वो अपना ख्याल नहीं रखते, हमें उनको सीख देने की जरूरत है कि अपना भी ख्याल रखो। ऐसे मतलब है हमारी फैमिली फ्रेंड है, तो एक दिन ना वो घर पे आ गई थी, तो ऐसे बोलते कि यार आंटी कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब मेरी नहीं आकाश की फ्रेंड है। तो एक दिन घर पे आ गई वो, तो ऐसे नॉर्मल, तो उसने बोला कि यार आप लोगों के लिए तो बहुत नॉर्मल होता होगा ना ऐसे कि घर पे आपके तो फ्रेंड्स वगैरह हैं। जैसे उसने बोला कि मिनी आपकी फ्रेंड है, नॉर्मल क्या, कौन सी बड़ी बात है अगर मैं आ गई तो। मैंने उसको बोला मम्मी से पूछ, आज तक कोई लड़की मेरी साइड से घर पे आई, और मैंने कहा वो भी छोड़, मम्मी तो झूठ बोलेगी नहीं। मैंने कहा तो ये पूछ मम्मी से कि मिनी को बने का 12 साल हो गए, मैंने कहा आज तक मम्मी ने कितनी बार मिलना, छोड़ आज तक हायल हुई है नहीं हुई भाई कभी, ना पापा से ना मम्मी से, घर आने की तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा क्यों यार, मैं इस मामले में बहुत शाय हूँ, मुझे ना बहुत ऐसे मतलब ऐसे मिलने में बहुत शाय नहीं है, ये वो चल रहा है, ये मेरे घर वालों को भाव नहीं देती, मेरे घर वाले को भाव नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे मत बोल। और जबकि ऐसे मत बोल, और जबकि नहीं, भाव देने का मतलब है यार, मतलब तो कहने का मतलब ये है मेरे घर वाले
चाहते हैं और ऐसा सिर्फ ऐसा और नहीं ये है। मेरी फैमिली और फंक्शन और में आया एक... है, ये मेरे फैमिली फंक्शन में आया, मेरे मामा से मिला है, मेरे ताऊ से मिला है, मेरी मम्मी का इसका हमेशा मतलब ऐसे खाना वाना तो हमेशा पूछते हैं, मेरे डैडी ठीक है इसको एक दिन बोलते बेटा सॉरी हम आपकी भाई की शादी में नहीं इसके पापा से मैंने आज तक एक ही बार बात करी है और वो भी पता है क्या था, इनका फैमिली फंक्शन था और वहाँ पे मैं स्पेशली इनवाइटेड नहीं था, वहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे और भी मेरे सारे ठीक है तो बस मैं चला गया अपना मन मार के उसमें मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो उस दिन तो अंकल ऐसे जानते उस दिन अंकल ने बोला कि बेटा सॉरी हम शादी में नहीं आ पाए, मैंने कोई बात नहीं अंकल उसके बाद कभी कोई बात नहीं करी उस टाइम पे मजे में थे तो थोड़े से Sorry. वैसे ये भी सेम है पता है, जैसे मेरे मेरे पापा अगर इसे कहीं शॉप पे या कहीं पे मिल गए तो खुद बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं हाँ। फिर ऐसे बड़े मस्त एकदम डोरेमोन टाइप वैसे जादू क्यों निकाल रहे अंकल के पेट में ज्यादा गैजेट हो गए थे इसलिए दिक्कत होगी कोई नहीं गैजेट कम करो उनकी चाय कम करो सबसे पहले तो। वर्कआउट करने जा रहे हैं और देखो मैं तो यही कहूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पहले मैं बहुत शर्माता सोचता था कि हमेशा इसका ब्लॉग बनाता रहता हूँ फिर लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन नहीं आपकी दोस्त है, आपकी लुगाई हो या आपकी बहन हो या आपकी बंदी हो, साथ में लेके जाओ वर्कआउट करो, अब ये बोल रहा हूँ। आज मेरी मम्मी बोलती मैं सोच रही हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ, मैंने कहा चलो कह रही नहीं ऐसे नहीं पहले सोचूंगी सोचते ही रह जाओगे, पहले घर से निकल के वॉक तो करो थोड़ा सा। मम्मी और पापा का सेम हाल है चलिए उतरते इस आउटफिट को चूज करने में 2 घंटे लगाए थे, बहुत मेहनत करके मैंने ढूंढा था। क्या वर्कआउट करेगी मिक्स कब तक मिक्स करेगी, पिछले 5-10 साल से मिक्स ही करेगी। बैक करूंगी बैक, आज मैं ये पहन के आऊंगी। बैक करोगे करनी तो मुझे भी बैक है तो फिर देखा मैच हो गया ना, बट शोल्डर करने हैं मुझे मैं तो शोल्डर करूंगा भाई, सब कुछ यही डिसाइड कर लेगा, सब ढीला सा हो गया मेरा तो अरे मतलब बॉडी यार हमारा ना 5 मिनट में जिम आ जाता है, 5 मिनट 2 मिनट ये क्या चल रहा है, स्पेस अवेलेबल फॉर रेंट नीचे ले लू, एक इनके नीचे एक छोटा जिम खोल देता हूँ लोकल कोई उसकी फीस रख दूंगा 500 रूपए इनको कॉम्पिटिशन देता हूँ और पे नीचे वो खोल दो स्पा चल मेरी जगह काम लेता हूँ जितने आम से 10 दिन मारने चल 10 दिन मार लाइए चल मार हाँ हाँ नहीं लगती लगती नहीं है और तेज मारो और तेज जितनी जाने तुम ये मतलब लड़की भाई एक चीज़ है मतलब लड़की को तो पीट सकती है तू अपने बराबर वाली बहन सुपर नेचुरल पावर से तेरे अंदर कितना सुंदर सजा रखा है, इसे बोलते हैं कैफे सीसीडी कैसा लगा वर्कआउट करके? थैंक यू खजामा तुम मुझको वर्कआउट कराने ले गए थे, मात्सुदा को मैम बहुत खुश होगी कौन सी मैम मात्सुदा को सो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और इतने दिन बाद वर्कआउट करा तो थोड़ा सा पेन भी हो रहा है बट कोई नहीं अभी चलते हैं कुछ खाएगी, प्रोटीन पी रहे हैं प्रोटीन खाएंगे प्रोटीन प्रोटीन ओके मुझे लगा कुछ और खाओगे आप, नो नो हम खाएंगे अब प्रोटीन खाएंगे हम जो भी है वो उसमें प्रोटीन। चल गोलगप्पे खिलाता हूँ तुझे। वर्कआउट करने के बाद गोलगप्पे ऐसी फिटनेस नहीं है हमारी क्या खाएगी फिर? चटर पटर नहीं खाना, खाते हैं ऑमलेट अपना हाफ फ्राई। ओह ये
प्रोटीन गाइस देखो एक ही दिन मेरी बॉडी बन गई, इसमें से भी बाहर आने को हो रही है। क्या बात है, ऐसी डोली सबकी होनी चाहिए जिसमें दूध लग